डेटा एनालिसिस की क्लासेस में अतीश जी आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं एक सेल्स डैशबोर्ड, एक कंपनी का सेल्स डैशबोर्ड जिसका हम स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है। मैं पहले बता दूं कि ये मैंने इसी इंटरनेट से देखा हुआ, यहाँ इंटरनेट से मैंने लिया है इसको, तो मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे दिमाग का उपज है, बट मैंने इंटरनेट से जस्ट इसकी ये लिया है, मैंने कि स्क्रीन लिया है, डाटा मैंने खुद प्रिपेयर किया है इसका। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब इस तरह की रिपोर्ट चाहिए तो मेरे पास जो है डेटा उसको एक बार देख लेते हैं। मेरे पास एक सेल्स डेटा 2021 का, हमारे पास एक सेल्स डेटा पड़ा हुआ है। तो मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले 2021 का ट्रेंड, मंथ बाय सेल्स ट्रेंड चाहिए। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे टॉप फाइव कंपनी चाहिए कि टॉप फाइव, क्योंकि कंपनी तो बहुत सारा है, सारे कंपनी को रिपोर्ट में दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो टॉप फाइव कंपनीज हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सेल्स बाय सेल्स पर्सन, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल्स बाय सेल्स पर्सन, हमें सेल्स पर्सन चाहिए। उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन काउंट, मतलब कि इनवाइस जो है, रेवेन्यू जो है, कितने अमाउंट का, कितना, 0 से 1000 रुपए का कितना इनवाइस बना है, 1000 से 2000 के कितने इनवाइस बने हैं, तो इस तरह की इनवाइसेस का हमें काउंट चाहिए होगा। और चौथा सिर्फ सेल्स बाय रीजन, जो हमारा रीजन है साउथ नॉर्थ वेस्ट, उसका अकाउंट अकॉर्डिंग हमें सेल्स चाहिए। और ये चीजें हम पिवट टेबल के थ्रू करेंगे और अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे, फिर एक एक उसकी समरी बनाएंगे, और ये चीज पिवट टेबल से कर रहा है। तो पिवट टेबल पे क्लिक करके हमने ओके किया, एक नया पिवट, इसका नाम लिख रहे हैं हम 2021 ट्रेंड, ओके। अब इसमें हम अपना डेट जो है, हमारा ऑर्डर डेट हम यहाँ पे निकाल कर रखें, और इसको राइट क्लिक करके हम ग्रुप, मंथ वाइज ग्रुप कर लेते हैं। और इसमें हमें रेवेन्यू चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पर रेवेन्यू डाल दिया। अब रेवेन्यू का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है तो रिपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसके लिए हम मंथ लिख देते, मंथ हो गया, और यहाँ पे अमाउंट या रेवेन्यू जो जाना चाहते डाल दिया। फिर इस सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कस्टम फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट सेल के अंदर हमने कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने यहाँ पे हैश कॉमा और इनवर्टेड कॉमा में के डाल दिया, या 1000 वगैरह जो डालना चाह सकते हैं, मतलब कि इस अमाउंट को मैंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया ताकि रिपोर्ट में थोड़ा अच्छा दिखे। अब ट्रेंड हम देखना चाहते हैं तो ट्रेंड मोस्टली जो होता है वो होता है लाइन चार्ट, ठीक है। तो लाइन भी हमने यहाँ पे मार्कर ले लिया, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दे, थोड़ा सा बड़ा इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके मैं इस पे करता हूँ ऐड डेटा लेवल, ठीक है, और डेटा लेवल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर, यहां से रिलीट कर देता हूं, चलिए चलिए रिलीट हो गया। और यहां हमने 2021 सेल्स ईआरई एंड द प्लान, ओके, यस सर। जो ऑर्डर डेट अमाउंट आ रहा है ये सब को हम कर देते हैं हाइड ऑल फील्ड, फील्ड सारे हाइड कर दिए, और जो टोटल यहां पे दिया हुआ है इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ या फिर कुछ और भी कर सकता हूँ। और यहाँ नीचे जो है आपको दिख रहा होगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेस में आ जाता हूँ, और इसके लाइन यहाँ देखिए ऑटोमेटिक है, तो सॉलिड कर देता हूँ और कलर ब्लैक, ये लाइनिंग ब्लैक हो गई, ठीक है। तो मोटा कर दीजिए, ओके सर। और इसकी फॉर्मेटिंग तो और जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे सिंपल फॉर्मेटिंग रख रहा हूं,
सिंपल फॉर्मेटिंग, और ऊपर हेडिंग आप डालना चाहे तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। मैं इसको मर्ज कर दिया, यहाँ डाल सकते हैं 2021 सेल्स बाय ठीक है okay. कर दिया। और नीचे जो फालतू के लाइनिंग है ना सर, इसको स्लाइड क्लिक कर दीजिए यहाँ से हाई, और साइड में जो है उसको भी आप सेव कर दीजिए हाई। ऐसा इसलिए किया ताकि हमें रिपोर्ट जो है दिखे, और जो लाइनिंग पीछे इस तरह का आ रहा है पेज लेआउट में, मैं जाके इसको कर देता हूँ लाइन भी हटा दी। ठीक है, समझ गया सर? हाँ यस सर। अब हम दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ एक बार और सेलेक्ट करते हैं और इसमें एक और पीवर्ड हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पीवर्ड, और इस बार जो हम बनाने जा रहे हैं टॉप फाइव कस्टमर, यहाँ पे टॉप फाइव कस्टमर ठीक है। और जाहिर सी बात है इसमें हम कस्टमर नेम को रखेंगे, और कस्टमर नेम को रखने के बाद हम रेवेन्यू को यहाँ पर रखते हैं, और रेवेन्यू रखने के बाद यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कस्टमर, और यहाँ पे ठीक है। अब इसको चाहो तो अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ये चीजें तो आप कर सकते हैं। तो क्लास में ये चीजें बता के हम टाइम को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। जी 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 ठीक है। अब इसको कस्टमर को, कस्टमर अमाउंट जो दिख रहा है ना, उसको हम जो है इस तरह से ये नहीं करते, मतलब कि इसकी सबसे पहले मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ। अब इस पे मैं लगाना चाहता हूँ चार, कौन सा मैं लगाना चाहता हूँ बार चार के बाद, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा हम कर देते हैं। अब इसमें मुझे टॉप फाइव चाहिए, तो कस्टमर यहाँ पे तो मैं क्लिक यहाँ करूंगा, लेकिन सिलेक्ट यहाँ करूंगा, फिल्टर में जाऊंगा, टॉप टेन के अंदर में यहाँ पे हम टॉप फाइव ले लेंगे। टॉप फाइव हमारा क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ओके ओके ये आ गए। अब इसमें थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं, हम इसकी फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाते हैं, इसकी विड्थ जो है गैप गैप उतना कम करने से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है समझे। राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ ताकि हाइड हो जाएगा, टोटल में यहाँ से हटा देता हूँ। ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप फाइव कस्टमर इन 2021 ठीक है जी। और इसके बाद इसकी कलर चाहो तो आप येलो ले लें, या कोई और कलर ले, या ग्रीन फिर ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, और फिर राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे ऐड डेटा लेवल कर देता हूँ, यहाँ आ गया। और इस डेटा लेवल में हम जो है होम में जाके यहाँ पे हूँ, मैंने इसी पे नंबर, और नंबर में मैं यहाँ पे करेंसी का यूज करता ताकि रुपीज में आ जाए, ठीक है सर? जी सर। मेरा रुपीज में आ रहा है क्योंकि मेरा जो है सिस्टम जो है इंडिया है सिलेक्टेड, इसलिए। ओके सर, इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, बड़ा बाकी आप जो है इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ। ओके, और इसमें भी आप हेडिंग देना चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं, और मुझे आशा है कि ये चीज आप कर लेंगे, तो मैं टाइम को ज्यादा लंबी ना करके इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा ना, सबसे हाईएस्ट अब जाना चाहिए, सबसे हाईएस्ट तो आ ही जाएगा ऊपर।
शॉर्ट करना चाहते हैं उसको आप, तो आप हाँ राइट क्लिक करें और यहां से इसको शॉर्ट कर दें, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, हाँ यस यस क्लियर है। क्लियर सर। अब बात करना आता है सेल्स बाय सेल्स पोर्शन, एक बार और यहाँ इंसर्ट करते हैं प्योर और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स बाय, एक ही ध्यान रखिएगा सीट का नेम जब भी लिखे ना सर तो उसमें स्पेस ना दे, स्पेस वाइड है। यस सर समझे, क्यों ऐसा मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो जाहिर सी बात है यहां पे हम जाएंगे सेल्स पर्सन रखेंगे, यहाँ सेल्स पर्सन उठा के मैंने रख दिया रो में और नंबर ऑफ रेवेन्यूज रख दिया हमने यहाँ और सेम यहाँ पे हम सेल्स पर्सन के नाम से हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अमाउंट। इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहो तो आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। इसमें भी हम जो चार्ट लगाने जा रहे हैं वो वही चार्ट लगा रहे हैं, ठीक है, बस इसको बड़ा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसके बाद बड़ा करते हैं, राइट क्लिक इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं, कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा एक्सेस में जाते हैं, इसका जो गैप विड्थ है ना वो कम कर देते हैं, ठीक है। यस सर। जैसा कि आपने पिछले भी देखा कि हमें शॉर्ट करना चाहिए था तो राइट क्लिक करके हमने इसको कर दिया शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इस पे राइट क्लिक करके हम ऐड डेटा लेबल कर देते हैं ताकि हमें नंबर आ जाए और डेटा लेबल की फॉर्मेटिंग में जाते हैं हम और नहीं और इसकी जो नंबर की फॉर्मेटिंग है यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देते हैं। इसकी कलर जो है वो हमें यहाँ पे लेना है ग्रीन, और भी फॉर्मेटिंग डिजाइन आप कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स बाय सेल्स पर्सन, ठीक है। यस सर। ताकि आप भी इसकी चीजें कर सकते हैं और यहां भी सेम फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट क्लिक हाइड कर दिया, इसको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक इसको हाइड कर दिया, ओके, और यहां जो हम है व्यू में आते हैं, इसमें पेज लेआउट में और यहां से इसको मैं चेक कर राइट। यस सर। अब एक चीज बताइए कि हम इयरली जो ट्रांजेक्शन हमने किया यहाँ देखिए, अब यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का जो ट्रिक कुछ है, टिप्स है वो जानिए, हमने इसमें किया था इसको अमाउंटिंग के में कर दिया हमने टॉप कस्टमर्स लिए या सेल्स बाय सेल्स पर्सन लिए, इसमें अमाउंट को मैंने 1000 में नहीं किया। दो चीजें यहाँ पे, पहली चीज है कि अमाउंट उतना बड़ा नहीं है कि रीड नहीं हो सकता, हम 1000 में या बिलियंस में कन्वर्ट कब करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि अमाउंट रीडेबल नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि हमें इसमें ट्रेंड देखना है तो हमें इतनी समझना चाहिए 33, 20, 31, 31, 23 तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 33,600 कुछ होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता। दूसरी चीज है कि मंथली है ना, तो अगर अमाउंट बड़ा होगा तो ये दोनों खचपच हो जाएगी, सही से ट्रेन सही से लाइनिंग नहीं दिखे। यस यस सही बात, ये मैंने यहाँ पे चीजें इस्तेमाल की, समझ गया।
यस सर। दूसरी चीज है, मैंने यहाँ पे एरो इस्तेमाल किया, दिख रहा है आपको, इससे पहले कहीं एरो इस्तेमाल नहीं किया, क्यों यहाँ पे एरो इस्तेमाल क्यों किया हमने? यहाँ पे एरो इस्तेमाल करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि सेल जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, करेक्ट सर, शुरू हुआ और दिसंबर में खत्म हुआ, तो ये इंडिकेशन देना जरूरी है एरो के रूप में। यस सर, समझ गए। और इन सबों में क्या है कि बात है कि क्लोजेस्ट है इसमें, इसलिए है कि 36,500 हो सकता है, 36,200 हो सकता है, 36,300 हो सकता है, 36,000 हो सकता है। अगर इसके अमाउंट इन थाउजेंड में कर दूंगा तो 36,000 सब 36 दिखेगा, तो सब सिमिलर ही आएगा। अब $500 की सेल पे इफेक्ट देना है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपनी हो गई या सेल्स पर्सन हो गए, इसमें ऐसा नहीं किया। दूसरा ना इसमें हम लाइनिंग लर्निंग भी नहीं किए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मूव करने वाली बात, फॉरवर्ड करने वाली बात है नहीं। जी सर, यस, ओके। अब यहाँ पे हम पिवट लेते हैं, अब बात कर रहे हैं हम सेल्स बाय ट्रेन, आपको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन काउंट किया, ट्रांजेक्शन काउंट। अब ट्रांजेक्शन काउंट में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू की कितना अमाउंट गया और यूनिट यूनिट काउंट क्वांटिटी दिख रहा होगा यहाँ पे, क्वांटिटी तो मैंने यहाँ रखा। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा 10, 11, 12, 13, अब ऐसे क्वांटिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको इजिली रिप्रेजेंट करना ताकि समझ में आ जाए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने किया ग्रुप, और ग्रुप में मैंने जीरो से लेके, नहीं माफ कीजिएगा, हमने गलत कर दिया, हमें रेवेन्यू को रखना चाहिए था यहां और क्वांटिटी को रखना चाहिए यहां, ठीक है, और फिर इसको यहां पे ग्रुप करना है कितने प्राइस से कितने प्राइस तक, इसमें 10,000 में कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 1,000 का, हाँ 1,000 का हम रखते हैं, एंड ओके। तो जीरो से 10,000 इतना सेल हुआ, 10,000 से इतना सेल हुआ। अब ध्यान रखिएगा इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्लैब है तो पता नहीं चलेगा तो किसी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं स्लैब तो मतलब जीरो से 1,000 सेल हुआ तब 10,000 क्वांटिटी हुआ कि मैंने कि हुआ क्या था कि ₹5 वाले हमने कितना बेचे हैं, ₹10 वाले हमने कितना बेचे हैं, ₹20 वाले कितना बेचे हैं, ओके। तो ये यहाँ बता दिया कि जीरो से ₹1,000 वाले टोटल 10,337 बिका है, जिसकी प्राइस, जिसकी प्राइस जीरो से 10,000 प्राइस मतलब बिलिंग, बिलिंग अमाउंट, हाँ, मैं 10,337 क्वांटिटी को हमने सेल किया है। अब यहाँ पे क्वांटिटी भी कर सकते हैं या इनवाइस, आप चाहते कि नहीं क्वांटिटी नहीं हो, यहाँ पे इनवाइस होना चाहिए, कितने इनवाइस जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम ऑर्डर आईडी को लगाएंगे वैल्यू में और इसको सम के जगह पे कर देंगे काउंट, ठीक है, ठीक है, टोटल बिल। अब इसको मतलब कि जीरो से 10,000 वाले प्राइस का हमने 218 बिल जनरेट किया है, जो जीरो से 2,000 के बीच की अमाउंट थी, राइट सर, या। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह कर लीजिए इसकी। अब इस हम चार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस पे हम कॉलम चार्ट बनाएंगे, ठीक है, कॉलम चार्ट, बस इसको बड़ा करते हैं, टोटल हटा दिया, लाइनिंग जो है इसको हटा देता हूं, और इसका भी जो है सेम हम राइट क्लिक करके व्यू में आते हैं, इसको सबसे पहले राइट क्लिक हाइड कर देता हूं, राइट क्लिक किया, एड डेटा लेवल, और हमने यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज,
उसकी गैप को थोड़ा सा कम करते हैं। राइट उसके बाद अमाउंट को लिया, अब इसको जो है थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं क्योंकि 218 क्या है, तो 218 के लिए हमने यहाँ पे दिया हैश और यहाँ पे जो होते हैं बिल, 218 बिल जनरेट हुए बिल्स, ताकि क्लियर होगा कि 218 अमाउंट है या बिल्स है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इससे ये एनालिटिक्स होता है कि 0 से 1000 वाले सबसे ज्यादा बिल्स हो रहे हैं जी। अब इससे ये हेल्थ क्या करता है, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कि होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब कि छोटे अमाउंट्स को हटाना चाहता हूँ, चाहे एक अमाउंट प्रतिबंधित करना चाहता हूँ कि भाई ये अमाउंट जो है सेल नहीं करेंगे, उससे पहले देख को ले कि किस अमाउंट क्या सेल हो रही है। आपने बोला कि भाई मैं तो 1000 रुपए ज्यादा का ही सेल लूंगा, उससे नीचे का सेल नहीं लूंगा, तो आप अगर देख रहे हो कि भाई आप जो है 1000 रुपए की मेजर सेल हो रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपका सेल इफेक्ट कर सकता है, या तो खूब बढ़ जाएगा या खूब घट जाएगा जी। यस सर समझे, क्योंकि आपकी मेजर जो बिलिंग है वो आपकी 0 से 1000 वाली है, तो अगर 1000 वाली के बिल्स के अगर कोई आप डिसीजन लेते हो चेंजिंग करने का, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मेजर चेंजिंग होंगे आपकी जी सर, समझ गए। यस यस, इसलिए एनालिसिस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ। अब आता है सेल्स का रीजन, किस रीजन में क्या सेल्स हुआ, क्योंकि सिटी वाइज क्या होता है, कंपनी जो है सेल्स को सिटी वाइज बहुत कम देखती है, वो रीजन वाइज देखती है। जैसे मैं बिहार में बैठा हूँ तो बिहार का नहीं, वो कोलकाता रीजन का सेल देखेगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया को अगर मान लीजिए सिटी वाइज देखेगा तो 500 सिटी है, 500 सिटी को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया जोन वाइज कर ये कर दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है, और फिर वो जोन या रीजन जो कर लीजिए उसी हिसाब से देखेगा, और जिस रीजन में फर्क होगा तेन उसके जोन सिटी को देखेगा, समझे। Yes, yes. रीजन वाइज कितना अमाउंट हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ ये हमने बनाया। यहाँ पे हम लिख देते हैं रीजन, RIGION रीजन, और ये हमारा हो जाता है अमाउंट रेवेन्यू जो लिखना लिख दीजिए, और जाहिर सी बात इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा इसमें एक चीज और मैं छोड़ गया कि काउंट में हमने यहाँ पे लाइनिंग नहीं दी है, क्या लाइनिंग देना जरूरी है, ठीक है okay. तो हमने यहाँ पे आया और लाइन, तो लाइन पे एकदम सॉलिड ब्लैक कलर ले देते हैं, और इसकी जो विड्थ है थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, और इसका जो ए है एरो टाइप है वो एरो टाइप ए हम ले लेते हैं। देखिए उल्टा जा रहा है, मैं इसको इधर से करना चाहिए था, इसको ठीक है ओके सर। यस सर, अब यहाँ पे हमने आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें हमारा हो जाता है रीजन सेल्स बाय RIGION रीजन, और इस पे भी हम क्या करते हैं कॉलम चार्ट लेते हैं, इसमें ये अमाउंट में काउंट हो गया है। यस हाँ हाँ अमाउंट काउंट हो गया है सर आपका, सही बोला सर।
यस इसमें जो नेशनल प्लेसेस है उसको हटा देते हैं, राइट क्लिक किया, इसको रिमूव, रिमूव में हाइड, रिमूव कीजिएगा तो रिमूव हो जाएगा, इसको हटाया, इसको हटाया। अब यहाँ तक जब ध्यान दे रहे हैं, इससे पहले जो भी हमने दिए है ना अपर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमने सेल्स बाय रीजन को लोअर से अपर की तरफ क्यों लिया, क्योंकि हमारा जब सिटी के हिसाब से जोन के हिसाब से देखते हैं ना तो हमारा क्या होता है, हम दो ही चीज देखते हैं भाई, सबसे कम एरिया कहाँ हुआ है सेल और सबसे ज्यादा एरिया कहाँ हुआ है सेल, ठीक है, तो और एरिया में हमारा सबसे कम एरिया पे ज्यादा ध्यान होता है। जैसे कि अब मैं अपने बताता हूँ बचपन के ही है कि हम लोगों को पता है कि फलाना जो खेत है उस खेत में ज्यादा उपज होता ही होता है, तो उसपे हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जो खेत में कम उपज होता है ना उस पर ध्यान देते थे कि इसका कितना दिखाओ थोड़ा सा पीछे अच्छा कि नहीं है। हाँ हाँ सही देना, क्यों, क्योंकि बड़ा जो खेत है जो बड़ा सेल कर रहा है वो तो सेल कर ही रहा है, वो तो पता ही है कि बड़ा है, टॉप टॉप में हम ध्यान देते थे छोटे वाले, क्योंकि बड़ा मान लीजिए कि एक पांच खेत में तीन खेत मुझे है ही तो उस पर ध्यान दूंगा, क्योंकि वो अपना लिमिट के अकॉर्डिंग सेल दे ही रहा है, जो लिमिट है उसका, ऐसा थोड़ी कि उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, ज्यादा खाद पानी दूंगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी होगा, यस लिमिटेशन है खेत की। तो हमारा फोकस कहाँ होता था, हमारा फोकस होता था छोटे खेत पे, जिस खेत की उपज कम है, खेत बराबर है पर उपज कम है, जी तो जी ध्यान देते थे कि अगर ये उपज ज्यादा होगा तो फिर हमारा ज्यादा उपज होगा। तो सेम थिंग एरिया, एरिया जब जहां पे एरिया आता है ना वहां पे हमारा फोकस कम पे होता है, ज्यादा पे फोकस बहुत कम जाता है, रियर के रियर बहुत कम जाता है, मोस्टली लोगों का फोकस जो होता है कम पे होता है। अब इतनी छोटी छोटी बात जो है हम एडवांस एक्चुअली क्लासेस में नहीं बताते सर, ये हम बताते हैं डेटा एनालिसिस की क्लासेस में सर, यस क्योंकि एडवांस क्लासेस में अगर ऐसी बात की जाए तो क्या होगा, तो फिर वो इस पे ध्यान नहीं देंगे और फिर ध्यान दे देंगे मेरी बातों पे, या फिर मेरी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान होगा कि पिवट कैसे बन रहा है। जी जी सर समझ गया ना। अब आपको मैंने क्योंकि इसकी क्लासेस जब होती है तो मोस्टली लोग जो है पिवट टेबल को जानते हैं, ये चीजें हम बताते हैं और ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपके रिपोर्ट पे अच्छा खासा इफेक्ट देती है सर। जी जी सर। अब यहां पे एक चीज और भी है कि मोस्टली लोग जोन को, जोन जब हम सेल कर, जोन जब डालते हैं तो जोन में जो होता है अमाउंट जो हम देते हैं तो उसमें हम साइन नहीं लगाते, कुछ ऐसा क्यों, देखिए कंपनी अगर इंडिया में वर्क कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी जब मल्टीनेशनल वर्क करती है तो उसमें जो है डॉलर्स जरूरी है कि डॉलर में कर, अलग अलग कंट्री में करेंसी में कर सकती है ना सर, इसलिए करेंसी का सैंपल नहीं देते हैं। ओके, ये चीज हम सब में इम्प्लीमेंट करते हैं कि जहां जोन वाइज होगा वहां पर जो रेवेन्यू हम देंगे उसमें करेंसी का सैंपल नहीं देंगे। ओके, अब ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ है कोई रूल है, ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट और कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकती है। जी जी सर। तो हमने अलग अलग यहाँ पे बना लिए, अब क्या है कि सबको रिपोर्ट देखने के लिए अलग अलग पे जाना पड़ेगा ना सर, एक यहाँ पे हम समरी रिपोर्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं समरी, ठीक है, या डैशबोर्ड कर लीजिए या समरी कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, जो नाम देना चाहते हैं अब नाम दे सकते हैं। अब मैं क्योंकि सबसे मेजर फोकस हमारा मंथली सेल्स पे है तो हम सबसे पहले मंथली सेल्स ही लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे रिपोर्ट्स की, डैशबोर्ड्स की, क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो तो बेटर होता है। और आप ध्यान रखिए कि आप 100% पर रहें, ठीक है, और रिपोर्ट को आप उतना ही एरिया में बनाएं जितना एरिया आपका एक सेल्फी विजुअल है, एक बार में विजुअल है, समझ गया, क्योंकि स्क्रॉल ना करना पड़े, समझे, यस सर।
अब आपका चार्ट अगर मान लीजिए ब्लैक है तो आप हमेशा ग्रे लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रे पे हमारा जो ये होता है व्हाइट होता है ज्यादा खिलता है,